पुलिस के नाम पर लोगों से पैसे ठगने वाला किया गया गिरफ्तार। रिश्वत के 6,000 रुपये भी किए गए बरामद। केस से निकलवाने के लिए 16,000 रुपये की मांगी गई थी रिश्वत। घटना लुधियाना के पुलिस स्टेशन फोकल पॉइंट की, जहां विकास चौहान नाम के आरोपी को किया गया है गिरफ्तार, जो पुलिस के नाम पर ठगता था पैसे। इसकी शिकायत पुलिस को मंगल दास, उसकी पत्नी रूबी ने बताया कि पिछले दिनों थाना फोकल पॉइंट के उसके बेटे साहिल को शक के आधार पर किया गया था गिरफ्तार, लेकिन बाद को उसके बेटे को छोड़ दिया। जब पुलिस स्टेशन के बाहर निकले तो उन्होंने विकास नाम का शख्स मिला और बोला कि बेटे पर पुलिस की ओर से की जानी है FIR। अगर वह उसे बचाना चाहते हैं तो मामला रफा दफा करने के देने होंगे 16,000 रुपये। माता पिता द्वारा अपने बेटे को बचाने के लिए 8,000 रुपये की दी गई रिश्वत और बाकी के पैसे बाद में देने की कही गई थी बात। माता पिता द्वारा पुलिस को बताया, पुलिस द्वारा आरोपी को किया गिरफ्तार और 6,000 रुपये की रिश्वत के पैसे भी किए गए बरामद। इस संबंध में क्या कहना था ACP जसवीर सिंह गिल का जनसेवा एक्सप्रेस TV के लिए लुधियाना से जसविंदर सिंह की रिपोर्ट। कल साढ़े थाने फोकल पॉइंट दे विच एक लड़का साहिल नाम का पट्टियां का रहने वाला, उन्होंने बुलाया गया सी पूछगिछ दे लई, जिस दे लई उहदी मदर भी थाने आई सी। उन्होंने दस भी दिता गया सी कि उहदे बेटे का कोई भी रोल नहीं हैगा। फिर भी उस तो एक विकास नाम के बंदे ने 16,000 ਇੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਬੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਲਏ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ? ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇੱਟੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ PC Act ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। 6,000 ਰੁਪਇਆ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।